गाइज, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअली मैंने बहुत पहले ही प्लान कर दिया था कि ये वीडियो बनाना है डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल्स पर। इसकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल सीक्वेंस है पहले से लास्ट तक, तो वो मुझे कहीं कहीं पे भी नहीं मिल रहा था इन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो बहुत सारे बुक सर्च किए, इंटरनेट के आर्टिकल सर्च किए, लेकिन उसमें हमेशा एक ही वर्ड यूज़ होता था, फर्स्ट दिस, फर्स्ट दैट, फर्स्ट ये वो। तो एक्चुअली मुझे ये क्या बोलते हैं, एक्चुअल जो इन्वेंशन हुआ है, जिन लोगों के मदद से एक्चुअल इन्वेंशन हुई है, तो वो एक सीक्वेंस में चाहिए था, और लकीली एक बुक में वो मिल गई और मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया फिर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ एक ध्यान में हमको ये रखनी है कि ये जो ऑटोमोबाइल का जो डेवलपमेंट है वो कोई एक पर्सन से नहीं हुआ है। ये सब मतलब बहुत सारे इन्वेंटर्स, इंजीनियर्स लोगों का ये वर्क रहा है, और एक 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 करके इन्वेंशन बढ़ती गई और फिर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर खड़ा हुआ है जो कि आज आप लोग देख रहे हो। तो देखते हैं ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है वो कैसी रही, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाली जो डेवलपमेंट है वो एक स्टीम इंजन बनाया था, जो कि एक खिलौना था, खिलौने वाला स्टीम इंजन बनाया था। फर्डिनेंड बर्बियस्ट नाम के एक इंजीनियर थे, उन्होंने ये स्टीम इंजन बनाया था जो कि एक खिलौना था। ये खिलौना एज अ टोकन ऑफ लव, या तो फिर हम गिफ्ट कह सकते हैं, चाइनीज एम्परर के लिए बनाया था। तो ये 1672 साल में बनाया गया था ये स्टीम इंजन, जो कि एक खिलौना है। इसका जो लंबाई या तो फिर चौड़ाई जो हम कह सकते हैं वो 65 सेंटीमीटर का था, मतलब ये मॉडल 65 सेंटीमीटर के डायमेंशंस में बना हुआ रहेगा शायद से। और इसकी एक बात ऐसी है कि कुड नॉट कैरी अ पैसेंजर, मतलब इसमें कोई आदमी वगैरह तो नहीं बैठता था, क्योंकि ये खिलौना हुआ करता था, यानी कि इतना बड़ा हो सकता है जितना टीवी अब आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड में, उतना बड़ा हो सकता है। तो बट इट वॉज अ फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड व्हीकल। तो ये स्टीम के पावर के मदद से ये व्हीकल प्रोपेल होती थी। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ये थी। तो अभी देखते हैं सेकेंड वाली डेवलपमेंट। सेकेंड वाली डेवलपमेंट एक ट्राइसिकल बनी हुई थी जिसपे स्टीम पावर्ड इंजन लगाया हुआ था। तो निकोलस जोसेफ कुगनॉट करके एक इंजीनियर थे, उन्होंने 1769 ईयर में ये मॉडिफिकेशन या तो फिर कह सकते हैं इन्वेंशन किया था। तो ये तो फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल व्हीकल थी, मतलब खुद से चलने वाली, खुद व्हीकल के अंदर ही पावर डेवलप होती थी और वही पावर पावर से प्रोपेल होती थी ये पूरी व्हीकल। तो ये पावर, स्टीम पावर जो है वो इसके अंदर बनती थी और खुद से ही प्रोपेल होती थी। तो इसकी स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.5 माइल्स पर आवर तक थी, और ये गाड़ी लगभग 15 मिनट तक चलती थी। ये जो डेवलपमेंट जो की निकोलस कुगनॉट जी ने, तो इसकी मदद से एक्चुअल बूस्ट मिला ऑटोमोबाइल सेक्टर को, तो इसलिए उनको फादर ऑफ ऑटोमोबाइल कहा जाता है। और इससे आगे एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल स्टार्ट हुई। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड डेवलपमेंट की तरफ। जो थर्ड डेवलपमेंट है वो एक स्टीम इंजन था, लेकिन वो क्रैंकशाफ्ट के मदद से प्रोपेल होता था। तो क्रैंकशाफ्ट स्टीम इंजन जो कि बनाया था रिचर्ड त्रेवेथिक नामक इंजीनियर ने, ये इंजन लगभग 1802 ये साल में बनाया गया था, और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन था जो कि एक क्रैंकशाफ्ट के बेसिस पे चलता था। तो बढ़ते हैं अगली वाली डेवलपमेंट पे। अगली डेवलपमेंट है गैस इंजन विद क्रैंकशाफ्ट। अभी ये जो पहले के तीन इंजन हमने देखे थे वो स्टीम पावर्ड व्हीकल्स थे, अभी इसके आगे गैस पावर गैस एज अ फ्यूल यूज करते थे इंजन में। तो एटिनी लिनॉयर करके एक इंजीनियर थे, उन्होंने 1863 में ये इंजन बनाया था जो कि एक इंटरनल कम्बशन इंजन था विद क्रैंकशाफ्ट, एंड उसमें जो फ्यूल यूज करते थे वो गैस की मदद, वो एक गैस था। तो ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन था और व्हीकल लगभग 6 माइल्स तक चलती थी। अगली जो डेवलपमेंट है वो है ऑटो एंड लैंगेंस इंजन। तो ऑटो और लैंगेंस ने 1876 में फोर स्ट्रोक इंजन, यानी कि फोर स्ट्रोक साइकिल पे चलने वाला इंजन बनाया था, और वो आईसी इंजन कोल गैस फ्यूल पे रन होता था, और जो भी साइकिल है जिस पे इंजन चलता था तो वो ऑटो साइकिल नाम से जानी जाती थी वो साइकिल।
इसके बेसिस पे फोर स्ट्रोक इंजन चलता था। ऑटो साइकिल यानी जो फोर स्ट्रोक साइकिल है उसे हम कह सकते, ऑटो साइकिल को ही फोर स्ट्रोक साइकिल कहते हैं और फोर स्ट्रोक साइकिल ही ऑटो साइकिल है। तो फोर स्ट्रोक्स में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो सक्शन स्ट्रोक होता है, सेकंड जो स्ट्रोक होता है वो कंप्रेशन होता है, थर्ड जो होता है वो एक्सपेंशन होता है यानी कि एक्चुअल जो कम्बशन होता है इंजन में वो, और जो फोर्थ वाला है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ऐसे प्रकार ऐसे करके फोर स्ट्रोक इंजन बनाया गया था ऑटो ने। तो ऑटो ने इसके ऊपर साइकिल बनाई हुई थी, तो ये साइकिल के बेसिस से एक फोर स्ट्रोक इंजन बनाया था। बढ़ते हैं अगली डेवलपमेंट की तरफ। तो क्लर्क ने टू स्ट्रोक इंजन निकाला था, उनका नाम था डुगल्ट क्लर्क। ये इंजन 1880 में बनाया गया था। ये एक आईसी इंजन ही था, इंटरनल कम्बशन इंजन, जिसमें एज अ फ्यूल गैस यूज करते थे। और ये टू स्ट्रोक साइकिल थी, मतलब एक एक स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन होता होगा और दूसरे स्ट्रोक में कम्बशन यानी कि एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो दो स्ट्रोक साइकिल का ये इंजन था। अगली बढ़ते हैं अगले डेवलपमेंट की तरफ। अभी ये जो इंटरनल कम्बशन मोटरसाइकिल आप हेडिंग देख रहे हो वो उसका पिक्चर, ये एक्चुअल पिक्चर है। ये जो साइकिल है ये साइकिल पर इंजन बिठाया गया था, इंस्टॉल किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा मोटरसाइकिल। तो ये फर्स्ट इंटरनल कम्बशन इंजन मोटरसाइकिल थी। गॉटलिएब डेमलर नामक एक इंजीनियर ने ये बनाया था 1885 ईयर में। तो इसका जो इंजन है तो वो लिक्विड फ्यूल सिमिलर टू गैसोलीन, मतलब लिक्विड फ्यूल यूज करते थे इसमें। अभी इसके पहले जो इंजन थे वो स्टीम पावर्ड हुए और गैस पावर्ड हुए, अब इसके बाद जो फ्यूल यूज करते थे तो वो लिक्विड फ्यूल सिमिलर टू गैसोलीन यूज करते थे। तो ये सबसे हाई स्पीड, फर्स्ट हाई स्पीड लाइट वेट कंस्ट्रक्शन व्हीकल थी, जो कि 800 और 1000 आरपीएम के बीच में रन होती थी। बढ़ते हैं अगले डेवलपमेंट की तरफ। ये जो डेवलपमेंट है वो थ्री व्हील कैरेज है, फोटो आप देख सकते हो। कार्ल बेंज ने ये साइकिल बनाई थी, सॉरी ये कैरेज बनाया था 1886 ईयर में। तो ये साइकिल ऑटो, ये साइकिल का जो इंजन है तो वो ऑटो साइकिल पे रन होता था, इंटरनल कम्बशन इंजन विथ लिक्विड फ्यूल सिमिलर टू गैसोलीन। ये थ्री व्हील कैरेज है। बढ़ते हैं अगले डेवलपमेंट की तरफ। अभी अभी केम इन टू एग्जिस्टेंस आया डीजल इंजन, जो कि बनाया था रुडोल्फ डीजल और एक्रियट स्टूअर्ट नाम के इंजीनियर्स ने 1892 ईयर में। तो ये एक इंटरनल कम्बशन इंजन था, जो भी इसमें फ्यूल यूज होता था वो डीजल होता था, और इसका पेटेंट अप्रूव हुआ 1893, मतलब कि एक साल बाद इसका पेटेंट अप्रूव हो गया। और रुडोल्फ डीजल ने जो इंजन बनाया था, जो कि डीजल इंजन आज हम वो नाम से जाना जाता है, वो इंजन डीजल इंजन जाना जाता है, तो वो कौन से साइकिल पे बेस्ड था, तो वो डीजल साइकिल पे बेस्ड था। बढ़ते हैं अगली डेवलपमेंट की तरफ। तो अगली डेवलपमेंट है फर्स्ट पेट्रोल व्हीकल। अभी जो एक्चुअल पेट्रोल व्हीकल है जिसमें सिर्फ पेट्रोल एज अ फ्यूल चलेगा, तो वो चार्ल्स ई ड्यूरिया और ग्रैंट ड्यूरिया, ये दोनों भाई भाई थे और इन्होंने 1892 में ये डेवलपमेंट की थी। तो मेड फर्स्ट पेट्रोल ऑटोमोबाइल कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पेट्रोल। बढ़ते हैं अगली डेवलपमेंट की तरफ। अभी ये जो ये एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है, ये बिजनेस एक्सपेंशन का आइडिया है। तो इसमें प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स बिकेम अ रियल बिजनेस, मतलब बिजनेस बढ़ने लगा धीरे धीरे। और 1900 टू 1906 ये जो पीरियड था ईयर्स का, तो उसमें ये बिजनेस बढ़ता गया। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स लाइक क्रिसलर, नैश, हुडसन, स्ट्यूटबेकर, वेल्ट, फोर्ड, कैडिलैक, ब्यूक एंड अदर्स, जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स थे, तो वो अपने अपने गाड़ियाँ बना रहे थे। जो लास्ट डेवलपमेंट है वो एक मास प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड था। तो मास प्रोडक्शन ये सालों में चालू हुआ था, 1906 और 1920 के बीच मास प्रोडक्शन होने लगा ऑटोमोबाइल्स का। तो अभी जैसे मास प्रोडक्शन होने लगा तो व्हीकल्स की कॉस्ट घटती गई और कम प्राइस में ऑटोमोबाइल्स अवेलेबल होती थी कस्टमर्स को। तो इसका जो क्रेडिट है वो हेनरी फोर्ड उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी मास प्रोडक्शन टेक्निक्स डेवलप की जिससे बहुत फास्ट मास प्रोडक्शन हो सके गाड़ियों का, और इसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है हेनरी फोर्ड को।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और इसके रिलेटेड जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।